ये बताओ आपके जिले में विधानसभा सीटें कितनी है? तीन। कौन कौन सी? दिव्यापुर और दुगुना और अय्या सभा। ये 2017 में किनके पास? 2017 में तीनों सपा के पास थी। तीनों सपा के पास थी और क्या मतलब? अभी अभी इस समय वर्तमान में भाजपा के पास है। हम 2012 की नहीं 17 की बात कर रहे हैं। 2017 में थी सपा के पास थी। सपा के पास? हाँ। क्यों सपा के पास क्यों थी? विधुना सीट पे तो प्रमोद गुप्ता एलएस। अरे हम 2017 की बात कर रहे हैं। हाँ 2017 की हम भी बता रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? 2017 में विधुना बिना साक्ष्य के पास नहीं थी उसके साक्ष्य के पास। मत, अच्छा ये वर्तमान की बात कर रहे हो आप? ये वर्तमान में तीनों भाजपा के पास थी। हाँ यही हमारा मतलब। हाँ ये अगर 2017 बैंक में आप जाओगे तो समझ लीजिए आप पुराना कार्यकाल जानना चाह रहे हैं। पुराना नहीं जानना चाह रहे हैं। 2017 में ही चुनाव हुआ था। हाँ 2017 में चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ था उस वक्त जो जीती पार्टी वो मतलब है वो तीनों भाजपा। अब हमको ये बताइए कि इस बार जो लड़ाई किसके किसके बीच में दिख रही है? तीनों में सपा भाजपा में दिख रही है। बीएसपी कभी गढ़ हुआ करती थी वहाँ पर 2012 में। हाँ। मतलब 2012 में सपा जीत के आई थी। उसके पहले 2007 में तीनों सीटें बसपा ने जीती थी। बसपा ने जीती थी यानी लहर से भी प्रभावित होता है क्षेत्र। लहर से प्रभावित होता है ये मान लीजिए या लहर यहीं से बनती है। दोनों चीजें ये हो सकती है। दोनों चीजें ये भी हो सकती है कि लहरें यहाँ से बनती हो। तो सीधी सीधी लड़ाई भाजपा और सपा में दिख रही है सीधी सीधी लड़ाई। तो ये जो मुद्दे हैं सरकार के जिन्हें सरकार अपना अचीवमेंट मानती है जो कार्यक्रम उसने चलाए हैं तमाम कार्यक्रम है 40 योजनाएं हैं केंद्रीय योजनाएं इनके जो लाभार्थी हैं वो भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है या मन नहीं बना पाए हैं कि हमको वोट देना किसको है। क्या लगता मन है? बना चुके हैं। देखिए ऐसा है जो सबसे बड़ी इनकी योजना है आवास योजना जिसमें एक एक मोहल्ले में लगभग 100-100 आदमी को आवास मिला है। उसमें से बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके अभी अभी 50,000 आए हैं अभी 5 दिन पहले। वो तो पूरी तरीके से मन बनाए बैठे हैं। हाँ, ठीक जिनके अभी आने हैं 50,000 तीसरी किस्त वो भी मन बनाए बैठे हैं। वो उनके दिमाग में ये है कि अगर सरकार नहीं आई तो एक 50,000 ना आए। किसी की 1.5 लाख आने किसी ने फार्म भरा है अभी उसका। हाँ, सर्वे हो चुका है। हाँ, तो वो सोचता है कि अगर सरकार नहीं आई तो ये 2.5 लाख 1 रुपया ना मिलेगा हमें। तो ये योजनाएं तो बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। छोटे जिले जितने हैं उत्तर प्रदेश में उनमें सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन कहीं कम भी नहीं आपराधिक बड़ा मामला टेढ़ा है आपके जिले का। अपराध यहाँ पर बहुत है। हर तरह का अपराध है संगठित अपराध भी है। तो इस 5 साल योगी सरकार में कहीं से निजात मिली लोगों को? आदमी देखिए एक दो कांड तो हुए बड़े बड़े जैसे कमलेश पाठक ने हत्या कांड किया अन्य कांड हुए लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को भय बहुत है प्रशासन का भाई। ये है कि लड़ाई झगड़ा नहीं जैसे एक कोई बात हो जाती थी हुजूम पहुंच जाता था एकदम लड़ाई करने है उससे बचा हुआ है। मुस्लिम आक्रामकता से बचा हुआ है क्षेत्र है। मुस्लिमों में ये बहुत बड़ी बात होती थी कि लड़के इसका हाथ नहीं हो गई तो आदमी आ गए। आज की डेट में कहीं बस वो ही जाता था जिससे कहा तो नहीं हुई ये कहा जो उसके साथ हो जा रहा और ये नहीं होता है। मैंने सुरक्षा को लेकर भी काफी कुछ राहत मिली है लोगों को। सुरक्षा को लेकर पानी सिंचाई की तो वही जो है यहाँ समर काफी हो गई है सब्सिडी पे। अच्छा हर क्षेत्र में। अच्छा बीच तीनों सीटों पर सपा में फाइट है खासकर और यह सदर सीट भाजपा पूरी तरीके से निकालती दिख रही है। दो सीटों पे फाइट है। और इटावा गढ़ है माने सैफई मैनपुरी से करहल से अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा यहाँ की सीटों पर? नहीं कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ सीधा सीधा है उनका असर कि जो यादव मतदाता है मुस्लिम मतदाता है वो अंधा है उसके लिए सपा के लिए। बादला की जो वर्ग है उसमें 80% पे बीजेपी की पहुंच है। समुदाय छोड़ के
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।